सोमवार को भारतीय रेल द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़ा के प्रथम दिन अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने रेल अधिकारी क्लब गोरखपुर से स्वच्छता प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी गोरखपुर जंक्शन स्टेशन तक निकाली गई। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने अधिकारियों कर्मचारियों एवं उपस्थित रेल यात्रीजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने स्वच्छता की शपथ दिलाई कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। उन्होंने स्वच्छता का शपथ दिलाया कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी कि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। मैं सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छता भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मैं आज शपथ ले रहा हूं कि वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा जो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे सकें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छता जागरूकता के लिए पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट गाइड द्वारा गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं सन्नी सिंह द्वारा निर्देशित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। स्टेशन परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसी प्रकार के कार्यक्रम पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मंडलों में आयोजित किए गए। आज पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इन कार्यक्रमों का संचालन उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर NHM रणविजय प्रताप सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर BS दोहरे ने किया।